आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कम पैसे से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज के डेट में सारे लोग पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, बट उनके पास पैसे नहीं आ रहे, वो काफ़ी इस पैसा को सेव कैसे करें, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा उनका पैसा ग्रो कैसे, वो रिच कैसे बने। तो ये बात सही है कि बिना पैसा इन्वेस्ट किए हम पैसे कमा नहीं सकते। आइए एक ऐसे चीज़ के बारे में आज जानना जाएंगे जिससे आप कम पैसे में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो एक ऐसा टूल है जिसमें कम पैसे में आपके पास अगर कम पैसा हो तो आप अच्छी खासी उसमें रिटर्न ले सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहेंगे हम क्योंकि आज के डेट में जो मैक्सिमम लोग हैं पैसा कमाना तो चाहते हैं, बट उन्हें वो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करके थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमारे पास गेन भी नहीं होगा। तो वो रिस्क कैसा रिस्क होना चाहिए? वो रिस्क ऑफकोर्स कैलकुलेटर रिस्क होना चाहिए, और अगर आप कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। इसी कड़ी में आपको चलिए एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे जिससे कि मैंने खुद भी उससे प्रॉफिट लिया है, और उम्मीद है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से थोड़ा कैलकुलेटर वे में यूज़ करेंगे तो आपको भी अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। तो चलिए इसी बात पे हम एक टूल का नाम है मार्जिन ट्रेड फंडिंग। ऐसा टूल है जो कि आप किसी भी, यहाँ पर डीमैट अकाउंट हमने खुल कर रखा है, वहाँ पर मार्जिन ट्रेड फंडिंग का एक फैसिलिटी होता है जिसके थ्रू आप अगर कम पैसा है तो उस कम पैसे के बल पे आपके पास अगर कम पैसा है तो उसका तीन से चार गुना तक का आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो स्टॉक तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये काफ़ी रिसर्च करके रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। तो इसके लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है स्टॉक के बारे में। अगर आप स्टॉक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ये टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल जो है आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि मैंने भी ये टूल इस्तेमाल किया है और मैंने काफ़ी अच्छे खासे इससे प्रॉफिट भी जनरेट किए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग। जैसे कि मैंने जो इस्तेमाल किया है ICICI डायरेक्ट के थ्रू, मैंने मीरा एसेट के थ्रू भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ICICI डायरेक्ट में मार्जिन ट्रेड फंडिंग में क्या होता है कि सपोज अगर आप कोई स्टॉक आप लेते हैं, उस स्टॉक में अगर आपने आपके उसमें डीमैट अकाउंट में आपका 1,00,000 रुपये है और अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो वो स्टॉक डिपेंड कर स्टॉक के हिसाब से आपका मार्जिन ट्रेड फंडिंग बैंक के द्वारा आपको मिलता है। तो सपोज आपको 1,00,000 रुपये का अगर आपके पास है और सपोज किस कोई भी स्टॉक आप लेते हैं तो वो हो सकता है कि 1,00,000 आपके पास होने की वजह से 3,00,000 बैंक की तरफ से आपको मिल जाए, 4,00,000 बैंक की तरफ से आपको मिल जाए। और ये जो है ICICI डायरेक्ट में जो है 1 साल के लिए आपको वो पैसा आप ले सकते हैं, और मेरा एसेट में अनलिमिटेड टाइम के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी मतलब कम ही है, 9.5% के इंटरेस्ट पे मिलता है। तो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखें। जैसे कि मैंने 1,00,000 रुपये लगा किसी स्टॉक में, मैंने ऐसे भी किया कि 1,00,000 रुपये लगाया और मैं सिर्फ 3,00,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया, तो टोटल मेरा 4,00,000 का मैंने स्टॉक ले लिया। तो 4,00,000 का स्टॉक तो लिया और मेरे को प्रॉफिट ऐसा भी हुआ है कि मेरे को विद इन ए मंथ 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं अपना कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा 50% का रिटर्न हो गया, मतलब 50,000 मेरे को रिटर्न मिला विद इन अ मंथ। तो इस तरीके से उनके लिए प्रॉफिट के लिए आपको 4,00,000 रुपये आपके पास होने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली इससे प्रॉफिट कर सकते हैं और इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये देखिए, ये ऐसा टूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी गलती की, कोई भी गलत स्टॉक आपने अगर इसमें ले लिया तो फिर आपको हो सकता है कि साल से ज़्यादा आपको डिलीवरी में रखना पड़ेगा, जो कि ICICI डायरेक्ट में आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। मीरा एसेट में आपको टाइम का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप मीरा एसेट में आराम से जाकर ले सकते हैं। मीरा एसेट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीरा एसेट में आप कर सकते हैं, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, बस आपको पर एनम एक्चुअली वो पर डे के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो एवरी सिंगल डे आपका वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और आपके अकाउंट से कटते जाता है। देखिए, ये जो मार्जिन ट्रेड फंडिंग है, इट्स अ वंडरफुल टूल, क्योंकि मैंने इसे फील किया है कि एक ऐसा टूल है
मतलब मेरे को काफ़ी खुशी हुई है जान के कि 9.5% के इंटरेस्ट पे हमें इतना सारा पैसा मिल जाता है। हम होम लोन लेते हैं, होम लोन लगता था कि सबसे सस्ता इंटरेस्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो 9.5% की इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। तो इस तरह से ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो कम पैसे में एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं विद द लिमिटेड रिस्क। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए या फिर आपके दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली आप चैट में आप मैसेज मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं इस तरह के और भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, नमस्कार।